हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2018 का फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया गया है आरआरबी बेंगलोर जोन के हुबली द्वारा, और उसके बहुत सारे डिविजन्स ने बाई पोस्ट और बाई मेल भेज दिया है। तो अब बात यहाँ पे उठती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उसकी एक लिस्ट दी हुई है वहाँ पे। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहीं भी किसी भी जोन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हिस्सा लिया हो, तो उन सभी को ये बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या आने वाला है। अगर आप ये जाने रहेंगे पहले से, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे, तो ज्वाइनिंग में आपकी देरी नहीं होगी और आपको किसी तरीके की आगे चल करके प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के बेंगलोर जोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। हो सकता है आपके जोन के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी कम ज़्यादा हो, किसी पे एक डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांग लें कम मांग लें, लेकिन फॉर्मेट यही रहने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मेट बना बनाया है, ऑफिशियल फॉर्मेट है और सभी डॉक्यूमेंट सभी जोन्स में ये फॉर्मेट फॉलो होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को देखिएगा जरूर पूरा लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको हर अपडेट्स सबसे पहले मिल जाया करे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इसको बोलते हैं, और ये साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR बेंगलोर के डिविजन्स के द्वारा भेजा गया है। तो किसी कैंडिडेट को ये भेजा गया होगा और उन कैंडिडेट्स को ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा गया है, और उसमें ढेर सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं डिटेल पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस पर मैं लास्ट में एक वीडियो बना चुका हूँ क्या क्या है, तो उस पर मैं कोई इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके उस पार्ट पे डिस्कस करने आया हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सबमिशन और वेरिफिकेशन ऑफ और डॉक्यूमेंट्स, इसी को हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या लगने वाला है। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत आगे चल करके पढ़ने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या क्या लगेगा। पहला लिखा हुआ था, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड सबमिटेड ड्यूरिंग योर रिपोर्टिंग। जब भी आप किसी ऑफिस में रिपोर्ट करने जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, तो निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाएंगे, और वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा। क्या है? ओरिजिनल 10th क्लास पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट आपको ले जाना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। बी पॉइंट पे लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास हो तो TC भी ले जाना है डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या होता था, पहले डेट ऑफ बर्थ छप के नहीं आता था। तो अगर कोई एक सर्विसमैन है, कोई पुराने कैंडिडेट है जिनके हाई स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ना दिया हो, तो उनके लिए TC भी काम करेगा। ओरिजिनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इन मार्कशीट, देखिए विथ मार्कशीट, जो अगर आपने कभी BA लगा दिया हो, BSc लगा दिया हो, MA MSc हायर डिग्री लगाई हो, तो उसको भी आपको लेकर के जाना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है, और अगर आपने बनवाया हुआ है तो आप लेकर के जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा, 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद में प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या जरूरी है आपके किस इस प्रोसेस के लिए। तो देखिए थर्ड में फोर्थ उसमें दिया हुआ है, ओरिजिनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट इफ एनी, अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन वहाँ पर सबमिट किया हो तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जाना है। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैंडिडेट के लिए इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, अब कौन कौन सा प्रेस्क्राइब्ड फार्मा है वो इनक्लोज्ड किया गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे लिखा हुआ किसके किसके द्वारा होना चाहिए, और ताल्लुक मजिस्ट्रेट और द कंसर्न MROs ऑफ द नेटिव प्लेस, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ के स्थान के इन अथॉरिटीज के माध्यम से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, इनको आप देख लीजिएगा।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसका बना हुआ वहाँ पे मान्य होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड लेटेस्ट नॉट लेटर देन 6 मंथ विथ क्रीमी लेयर स्टेटस। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है और वो थोड़ा सा यूनिक है, इन्होंने 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट ये मान्य नहीं करेंगे। तो अगर आपने आपके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आए तो या नहीं भी आया होगा तो अभी क्या था 6 मंथ तक का चल जा रहा था, लेकिन 1 साल तक का चल जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये 6 महीने पुराना मांग रहे हैं। तो अगर आपके पास पुराना बना हुआ है तो 6 महीने के अंदर का चाहिए इनको, तो नया बनवा लीजिए अभी भी इन अथॉरिटीज़ के द्वारा, नहीं तो आपके यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। यही प्रोफार्मा फॉलो होना है हर एक जोन में। मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से अभी आपको किस तरीके से लेकर के जाने हैं। इन्होंने तो यहाँ पे लिख दिया है इनक्लोज्ड कि मैंने हमने यहाँ पे इनक्लोज्ड कर दिया है प्रोफार्मा जो है, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रोफार्मा में आपको लेकर के जाना है दोस्तों। ये रहा प्रोफार्मा दोस्तों, ये देखिए एससी एसटी के लिए ये प्रोफार्मा है। यहाँ पे वाटर मार्क हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट का है ये फॉर्मेट और डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे भी ले जाना पड़ा होगा। ईबीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी पड़ी होंगी। फिलहाल मैं फिर से भी आपको दिखाऊंगा कि किन किन कंडीशंस में क्या क्या लगना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो ये सारी चीज़ें आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आपको भेजी जाएंगी। अब देखिए उसके बाद आपको क्या ले जाना है, 4 कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 फोटो ले जाना है, और 1 सेट अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल योर सर्टिफिकेट, अपना खुद से अटेस्ट करके आपको ले जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप सेल्फ अटेस्ट करके ले जाओगे तो भी चलेगा। ये अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी खुद से कर लीजिएगा, एक किसी और से करवा के रख लीजिएगा, गेस्टेड ऑफिसर से पता नहीं वहाँ पे क्या मांग लें तो आपका टाइम खराब होगा बाद में। और सर्विस बॉन्ड एज पर अनेक्सर बी, अनेक्सर बी इसमें दिया हुआ है इनके कॉल लेटर में, तो मैं आपको सर्विस बॉन्ड दिखा देता हूँ कि किस तरीके का सर्विस बॉन्ड होता है और किस तरीके से भरा जाता है उसको। तो दोस्तों ये रहा सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट, और हमने एक पुराना वीडियो इस पे बनाया हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म सर्विस बॉन्ड और पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर, तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, हमारे पुराने वीडियोस में होगा, मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के उसको डिटेल में देख सकते हो। देखिए सर्विस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा डिटेल आपको फिल करना है, और ये डिटेल में आपको वो पैसा भरवाएंगे कि इतने पीरियड का, मतलब 2 साल 3 साल जो भी, मतलब आपका हो जिस तरीके की ट्रेनिंग हो, कि अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ करके जा रहे हो तो आपको इतना पैसा देना होगा हमको। यहाँ पे आपका नाम होगा, सिग्नेचर होगा, सारी चीजें, और 2 गवाहों के नाम होंगे, देखिए विटनेस नंबर 1 और विटनेस नंबर 2, ये यहाँ पे लिखा होगा, तो ये 2 विटनेस होंगे और उनका सब वो होगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका। अब फिर से यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों सर्विस बॉन्ड के बाद में 2 सेट अटेस्टेशन फॉर्म एज पर अनेक्सर ए, अनेक्सर ए मतलब इन्होंने अनेक्सर भेजा होगा उनको अटेस्टेशन फॉर्म का, उसका 2 सेट इनको करवा करके ले जाना है। मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म ही दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें आपको फोटो लगाना होता है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, सब कुछ इसमें कम्प्लीटली भरना होता है। पुराना वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, और इसमें आप सब कुछ भरेंगे, 7-8 पन्नों का होता है। उसके बाद में आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि क्या अभी कभी आपके खिलाफ़ कोई केस दर्ज हुआ है, कोई मामला चल रहा है, कभी फाइन लगा है, कभी पकड़े गए हैं, कभी किसी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होती हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन में काम आता है। तो ये है अटेस्टेशन फॉर्म आपका, इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया होगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। मैं आइए ले चलता हूँ आपको ज्वाइनिंग लेटर वाले फॉर्म पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट एज पर पेज 7 अनेक्सर ए, मतलब जो उसमें है 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर बनवा करके ले जाना है, और एक आपको अपने हेड ऑफ द एचडी मतलब किसी जिस स्कूल से आपने पढ़ाई करी हो, लास्ट स्कूल अटेंड किया हो, वहाँ से भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले करके जाना है, और उसको अटेस्ट करवाना है किसी मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल यानी एसडीएम से, उसको अटेस्ट भी करवाना है। और उसके बाद में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड
मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड ना बनवाया हो या आपके पास आधार कार्ड ना हो, तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड हो सकता है ना हो, आधार कार्ड तो सबके पास में होगा, तो पैन कार्ड अनिवार्य रूप से इसी बीच में पहले ही अप्लाई करके बनवा लीजिए। मैं करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लगेंगे, और ये दोनों अनेक्सर ए में, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों लगे हुए हैं अटेस्टेशन फॉर्म में। आइए आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, और इसी में आपको मिलेगा नीचे करेक्टर सर्टिफिकेट, और ये देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना है, और करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच्ड है देख लीजिए। और ये दो बनवाना है आपको, दो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से, और ये बनवा करके ले जाना है, इसी फॉर्मेट में दिया होता है। और आपको एक फिर यही गजेटेड ऑफिसर से दो दिया हुआ है, और उसके बाद में यही एक सर्टिफिकेट आपको अपने किसी स्कूल के, मतलब जहाँ पे आपने लास्ट बार पढ़ाई करी हो वहाँ पे ले जा करके बनवा करके, और उसको SDM से अटेस्ट करवा करके भी वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब जनरल गाइडलाइंस इसमें दी हुई है, उसको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। कह रहे हैं कि ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये ऑर्डर नहीं है, मतलब आपको हम ऑफर कर रहे हैं, और आपको अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आपको कम से कम एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु सिटी में आना चाहिए प्रिपेयर होकर के, जिसका खर्चा आपको खुद से उठाना होगा। जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे, और जो छुट्टियां मिलती हैं वो हिसाब से मिलेंगी आपको, उसको भी फॉलो करना होगा। फिर कह रहे हैं कि 5 साल तक के पीरियड में कोई भी ट्रांसफ़र के लिए या रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे, किसी भी तरीके से आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, 5 साल बीतने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे पाओगे। अगर आपने किसी तरीके की कोई घोटाला किया, कोई दिक्कत की, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, और जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी, चाहे गुड्स की, सामान की मिलें या स्टोर की मिलें, वो सारी चीज़ें आपसे वसूली जाएंगी, तो उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं हमारे, वो आप पे कम्प्लीटली लागू होंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या अटेस्टेशन इन्होंने किया है, तो देखिए मतलब क्या क्या अनेक्स किया है, क्या क्या चीज़ें इसमें भेजी हैं। तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो लेटर आपने देखा यही ज्वाइनिंग लेटर है, और उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म जो हमने दिखाया उस तरीके के प्रारूप में बना हुआ अटेस्टेशन फॉर्म इन्होंने भेजा है। उसके बाद में यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें लिख करके सिग्नेचर करना होता है, और उसके बाद में इन्होंने फिर दिया हुआ है कि क्या क्या लेकर के आप आएंगे, वहाँ पे पोस्ट का नाम भी दे दिया है इन्होंने। देखिए कि सर्विसेज पॉइंट्स मैन के पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है, और उसके बारे में जब इसमें इन्होंने लिखा है उसको पढ़िएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या लेकर के आपको आना है। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू कॉल एट दिस ऑफिस, आपको इस ऑफिस में कॉल करना है 11 से लेकर के 11 बजे कॉल करना है 7 जून 2019 को, और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको यू शुड सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, मतलब इनको 11 बजे जाना है, 7 जून 2019 को बुलाया गया है। क्या क्या लेकर के जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी ऊपर था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी आपने लगाए होंगे वो लेकर के जाना है, 4 फोटोग्राफ ले जाना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर लगाया है किसी ने तो कास्ट सर्टिफिकेट को ही कम्युनिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो फॉर्मेट इन्होंने इनक्लोज किया हुआ है। अटेस्टेशन फॉर्म जो भी इन्होंने दिया है इसमें वो लेकर के जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, हमने अभी आपको दिखाया, और यहाँ पर लिखा हुआ एफिडेविट बाय द अटेस्ट टू बी अटेस्टेड बाय नोटरी, इसमें क्या लेकर के जाना है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर एफिडेविट में क्या लिखवाएंगे, तो नोटरी में जाएंगे और आप वहाँ पे नोटरी में एफिडेविट वो 10 रुपये 20 रुपये के बॉन्ड पे भरवाएंगे, नोटरी वाले बता देंगे क्या करना है, उसमें लिखेंगे कि जो भी सूचनाएँ आपने या जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी सूचनाएं आपने दी हैं वो सारी आपके सूचना के अनुसार सही हैं, और कहीं से आप उसमें घोटाला नहीं कर रहे हो या कोई चीज़ उसमें छुपा नहीं रहे हो, आपके द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही हैं, और अगर आगे चल करके वो गलत पाई जाती हैं तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो दंड देंगे, उसके आप भागीदार होंगे, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आप आगे चल करके नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें उस नोटरी में लिखी होंगी और वहाँ पे वो नोटरी वाले बना करके आपको दे देंगे, आपको कुछ कहना नहीं, कुछ करना नहीं, बस बता देना है कि हमको अपॉइंटमेंट के लिए नोटरी बनवानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।